रखो। फिर कहता हूं, भारतीय वैदिक युग, सनातन वैदिक युग, वेद में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 80,000 कर्म कांड के हैं, 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान के हैं। तो 96,000 को जब तुमने पार कर लिया तो अब अंतिम 4 में तुम आयो। अंतिम 4 में आने का मतलब होता है सेमीफाइनल में आ गए, बोला अंतिम 4 में ये टीमें आ गई हैं। 96,000 श्लोकों को श्री हनुमंतलाल जी के कृपा से, गुरु के कृपा से जब तुम पार कर गए, ओवरकम कर गए, तब इन अंतिम 4 में श्रीमद् भागवत गुरु के साथ तुम्हारा संसर्ग होता है, व्यासपीठ के साथ तुम्हारा संसर्ग होता है। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ, कर्म कांड यज्ञ नहीं है, उपासना यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ। भारत वर्ष में लाखों कथाएं चलती हैं, दुनिया में लाखों कथाएं चलती हैं, पर हम कथा के मर्म से ही वंचित हैं। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानते और धर्म का व्याख्यान देने चले आए। इसलिए विशुद्ध श्रवण की कथा, श्रवण का यज्ञ है, चित्त शांत। हमारे मथुरा के चौबे जी की तरह चित्त नहीं, मथुरा में 4-5 चौबे जी लोग विश्राम घाट पे नाव पे रात में चढ़ गए, ऐसी कथा है महाराज। और चढ़ के कहा ले चल, तो एक ने कहा ये का ले चलेगो, इसको भी उतारो, हम ही लोग ले चलेंगे। और थोड़ी शाम में छन घुट गई थी बढ़िया मथुरा में, दूध में ढाल के भोला भंग तिहारी मैं घोटत घोटत हारी। रात भर चप्पू चलाए, सुबह के कहां पहुंचे, मथुरा पहुंच गए। तो जिसका नाव था वो सामने खड़ा था, बोला कहीं ना ही पहुंचे, यहीं विश्राम ही घाट पे हो। बोला भाई विश्राम घाट पे, अबे रात भर चप्पू चलाई हमने। बोला चप्पू तो चलाई चौबे जी तैने, पर नाव जिस जंजीर से बंधी थी वो बंधी हुई है, खोला नहीं मैंने। बोला ले तो रात भर चप्पू चली यहीं रह गए। बोला हाँ यहीं रह जाओ। ऐसे ही कथा सुनने तो तुम यहां आ गए हो, पर तुम्हारे मन के जंजीर अगर कहीं बंधे होंगे, घर में, द्वार में, परिवार में, त्योहार में, विचार में, आचार में, चप्पू मैं 2.5 घंटे चलाऊंगा जरूर, और तुम भी बैठ के चलाओगे ओम करके, पर जब उठोगे तो एक ही आवाज आएगी, लौट के बुद्धू घर को आए। There is no result, 0। और यही होता गांव में, बड़े बूढ़ों से पूछो, ये हमारे दादाजी हैं, हाँ महाराज जी 55 भागवत सुन चुके हैं, हमकी एक में परीक्षित चला गया था, ये अभी तक हैं, परीक्षित का एक में हो गया मुक्ति, ये 55 सुन के अभी तक बचे हुए हैं और अभी भी हाय हाय कर रहे हैं। हमारा चाय नहीं आया, हमारा कोई पूछ नहीं है, हमारी जवानी में हम बड़े बड़े को देख लिए थे, 12-55 भागवत और 12 रामायण आपका श्रवण, हमने तो सुना कि आफ्टर 50 51 52 53 वन चले गए, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, घर में रहते हुए भी वन की तरह व्यवहार करते हैं, घर छोड़ते नहीं वानप्रस्थ आश्रम में, जंगल नहीं जाते, क्योंकि हमारे तुम्हारे जैसे लोग अगर जंगल जाएंगे तो जंगल में भी घर ठोक देंगे, बिल्डिंग ठोक देंगे, पेड़ काट के जंगल का और नुकसान हो जाएगा। वन का अर्थ में घर में रहते हुए भी विरक्त की तरह रहना। हाँ भैया बहू तुम अपनी मौज में, हाँ बेटे तुम अपने मौज में, हाँ पोते तुम अपने मौज में, हाय हेलो कर दिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं किए तो और अच्छी बात, इस प्रकार से करें। इसलिए जीवन में भगवत कृपा कब तुम पर उतरेगी, जब इस ज्ञान यज्ञ को बहुत सिंसियर होकर, सीरियस होकर लोगे तब, नहीं तो बात नहीं बनेगी।
भगवान की कथा दर्शन का स्थान है, प्रदर्शन का नहीं है। तुम्हारे जीवन की उपयोगिता यहां सिद्ध हो जाए किसी प्रतियोगिता के कारण मत आना। इसलिए निश्चित तौर पर यह समझो कि भगवान की कथा ज्ञान यज्ञ है और हम सब सेमीफाइनल में पहुंचे हुए लोग हैं। नहीं, बाकी लोग तो डोरा बांध ही रहे, जहां जहां बांधना है डोरा बांध ही आए, मुंडी पटकी आए, वहां घूम आए, वहां झाड़ू से पिटाई आए। ये सब 80,000 श्लोकों के अंदर में कर्मकांड में। उसके बाद उपासना, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, देन हायर एजुकेशन। तो कर्मकांड मिडिल स्कूल है, लोअर, लोअर और मिडिल। उपासना हाई स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जहां तक जा सकते हो। एंड देन जो उच्च शिक्षा है वो 4,000 सिर्फ है, ज्ञान कांड। अब बताओ, हमारी तुम्हारी उम्र किसी की 40 हो गई, 50 हो गई, 32 हो गई, अभी भी क्या बचपन स्कूल में पढ़ोगे? लोग मंदबुद्धि कहेंगे, भाई साहब का उम्र कितना है? बोला भाई साहब का उम्र 40 साल है। कहां पढ़ते हैं? बोला नर्सरी में। नर्सरी में रहो? बोला कौआ टक टका टक टक है, मामला साफ है, यहां से खसक गए, यहां से खिसक गए। सारी दुनिया, सारा भारत मरते मरते तक 80,000 कर्मकांड के श्लोकों में फंसा हुआ है। यह स्पिरिचुअलिज्म के विरुद्ध है, आध्यात्म के विरुद्ध है। अगर तुम आध्यात्मिक हो तो समय रहते ही उपासना के बाद ज्ञान कांड में प्रवेश पालो। और यह श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस की कथा इस बात की घोषणा करती है कि तुम 4,000 में हो। अब बताओ, बैठे अंतिम 4 में हो, अब बिहेवियर केन्या की टीम की तरह कर रहे हो,